पिथौरागढ़ जिला जल्द ही रेशम उत्पादन के क्षेत्र में सूबे के अग्रणी जिलों में नजर आएगा। जिला प्रशासन जिले में रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत नई कार्य योजना तैयार कर रहा है, जिसके तहत जिले के लगभग 250 किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जिले की मुख्य विकास अधिकारी ने मुवानी स्थित रेशम फार्म का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फार्म में रेशम उत्पादन से संबंधित जरूरी जानकारी हासिल की। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिले में रेशम में कुल 7 फार्म हैं, जिनमें से रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए नए किसानों को इनसे जोड़ा जाएगा। साथ ही रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाएगा, ताकि रेशम से जुड़े काश्तकारों की आमदनी भी बढ़ाई जा सके। मुवानी का निरीक्षण किया था रेशम फार्म का, तो रेशम का वहाँ लगभग मुवानी में 157 फार्मर हैं जो वर्तमान में अभी अपने घरों में करते हैं, और काफ़ी अच्छा काम है उनका, क्योंकि हर बार मंडी के माध्यम से उनके विपणन की व्यवस्था भी वहीं फार्म में ही हो जाती है, तो उसको हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अभी रेशम विभाग के 7 फार्म हैं जिले के अंदर, तो उन सभी 7 फार्म में लगभग 50 किसानों को एक्सटेंड करने की एक योजना बनाई है, तो 200-250 किसान इस बार के वित्तीय वर्ष में नरेगा के माध्यम से उनके यहाँ प्लांटेशन कराया जाएगा, और रेशम विभाग के द्वारा उनको जो कीड़ा है रेशम का वो उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो लोग भी, नए लोग भी उसमें जुड़े। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।